ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को समझने के लिए पहले एक हमें एग्जांपल लेते हैं। लेट अस कंसीडर ए मैट्रिक्स ए जिसके एलिमेंट्स हम ले लेते हैं -1, 0, 3, 2, 1, 3। ये कोई मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स हमने कंसीडर कर लिए और इसका जो ऑर्डर है इसमें दो रो हैं और तीन कॉलम हैं, तो 2 बाय 3 का ऑर्डर है। जो इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स होती है उसको हम डैश से या फिर कई बार हम ए ट्रांसपोज ऐसे भी लिख देते हैं। वो क्या होता है कि जो पहली रो है आपकी, जो ये पहली रो है, इस पहली रो को पहले कॉलम लिख दीजिए। देखो -1, 0, 3, और दूसरी रो जो है वो दूसरा कॉलम बना दीजिए ऐसे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2, 1, 3। ये है आपका ट्रांसपोज। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टीज समझ लेते हैं साथ साथ। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, तो देखिए ए प्लस बी, अगर कोई दो मैट्रिक्स है, अगर उनको आप ऐड कर रहे हैं और उनका ट्रांसपोज कर रहे हो, तो ये ए डैश प्लस बी डैश के इक्वल होता है। ठीक है, अच्छा ए बी का ट्रांसपोज, ए और बी का ट्रांसपोज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका बी डैश और ए डैश के इक्वल होता है। यानी अगर ए और बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद आप ट्रांसपोज करते हो तो वो इक्वल टू होता है बी का ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाई ए का ट्रांसपोज। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसमें मैं स्टार लगा देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज के बाद अगर दोबारा ट्रांसपोज कर देते हैं तो वही सेम मैट्रिक्स आ जाएगी। ये तो आसान है, ठीक है, इसको समझ में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये प्रॉपर्टीज आप मेनली याद रखो, बाकी आप ये सोच सकते हो कि मान लीजिए के ए के ट्रांसपोज से करो तो के ए का होल ट्रांसपोज ये सेम ही है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ये भी हमने इसमें डिस्कस कर ली।